धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा को जनता ने बताया है कि धर्म की और नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी। युवा ही हरा देगी योगी जी को, आप युवा का क्रेज देखिए। हर जगह डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी को दबाव बना रहे थे और 24 में तो खेला हुआ है और 27 में खदेड़ा होगा। पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है, जनता ने पूरा साथ दिया, जनता पूरी तरीके से परेशान है। हम राम के नहीं, हम राम के वंशज हैं। हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है, दूसरे से कोई मतलब नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन काफ़ी बेहतरीन रहा। इसका कारण था समाजवादी पार्टी। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें अपने नाम की। वहीं भाजपा का दावा था कि हम 80 में 80 सीटें अपने नाम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इस समय मैं मौजूद हूँ समाजवादी कार्यालय के पास और यहाँ तमाम कार्यकर्ता है। एक मिनट, मैं बात करना चाहूँगी आपसे, इतना जानना चाहूँगी कि इस बार तो एक ऐतिहासिक जीत देखने को मिली है समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में, इस पर क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? देखिए, सबसे पहले तो सब लोगों को बधाई, पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को, जिन्होंने अखिलेश भैया पर इतना भरोसा जताया हमारी पार्टी पर। और सबने बहुत मेहनत करी है, खुशी का माहौल है और अगर ऐसे ही सभी मेहनत करते रहेंगे तो 2027 में हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, कहा जा रहा है मोदी को तो हरा लिया, लेकिन अब 2027 में तो योगी जी खड़े हो रहे हैं, तो उनका क्या प्लान है, उसकी क्या स्ट्रैटेजी? मोदी और योगी से कोई मतलब नहीं है। हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम लोग हैं, हम जमीन पर काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें अपनी मेहनत पर भरोसा है, दूसरे से कोई मतलब नहीं है। 2027 का क्या प्लान है? 2027 में आदरणीय हमारे अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश से, और ये किसान मजदूर और गरीब जा चुका है, एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में देकर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे। 111% समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी 2027 में। जब अयोध्या हराई थी, एक बता राम तो समझे भाजपा के, हम तो सब दिन में 100 बार राम राम करते हैं। बता, हम राम के नहीं, हम राम के वंशज हैं, जिसके लव की संतान लौर गुजर। तो कहने का मतलब जी, हम राम को क्यों नहीं मानते? बताओ, राम तो भाजपा वाले ही मानते, हम तो भाई राम को मानते हैं, दिन में 100 बार राम राम कर रहे। तो इसलिए आगे 2027 में अखिलेश की सरकार बनेगी, कोई नहीं उसका 111%। बात करें अभी तो चलो 37 सीटें अपने नाम हुई है समाजवादी पार्टी ने की है उत्तर प्रदेश में, 2027 का क्या प्लान, क्या है तैयारी, क्या है? तैयारी यही है, पीडीए की रणनीति पर हम लोगों को काम करना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया है कि अब पीडीए पर ही हम लोग काम करेंगे और पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, हम लोगों को पूरी तरीके से हम लोगों के साथ है इस बार। और हम लोगों को जो मुद्दा था, बेरोजगारी, महंगाई और नौजवानों के पेपर लीक, ये सब समस्याएं, इसी सब मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़े और जनता ने पूरा साथ दिया। जनता पूरी तरीके से परेशान है, हर तरह से नौजवान परेशान है। इस सरकार ने केवल बेरोजगारी दिया है, महंगाई दिया है और कुछ काम किया नहीं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति लोग करते थे, धार्मिक राजनीति करते थे, लेकिन अयोध्या की जब से हम लोग सीट जीते हैं, वो तुष्टिकरण की राजनीति खत्म हो चुकी है। इस बार योगी जी को पता है वो बहुत बुरी तरीके से हारने वाले हैं और इस बार 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। मोदी जी बनारस से हार चुके हैं चुनाव, ये जान लीजिए कि किसी तरीके से वो अपनी मतलब साख बचाए हुए हैं, बस यही है मुद्दा। अच्छा, अब जैसे कहा जा रहा है कि 37 सीटें तो अपने नाम हो गई, लेकिन बाकी जो हारी हैं समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी का कहना है कि इसका कहीं ना कहीं जो कारण है वो है जिला अधिकारी कुछ जगहों के। बिल्कुल, बहुत ऐसी सीटें हैं जैसे बांसगांव हो गया, आपका फूलपुर हो गया, ये सब सीटें बहुत नज़दीकी अंतर से आ रहे हैं, फरुखाबाद हो गया। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं जिलाधिकारी उसमें संलिप्त था और उसने अपनी सेटिंग करके प्रमाण पत्र दूसरे को दिलवाया। सेटिंग क्या, जिलाधिकारी के हाथ में होता ही है सब, प्रशासन लगा के वो काम अपना कर दिया लोगों को बाहर करवा के। लेकिन जनता जो है पूर्ण रूपेण इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ थी, इंडिया के, और आपने देखा कि इंडिया गठबंधन 43 सीट, सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी, पूरे देश में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। तो अखिलेश जी का फार्मूला पीडीए बिल्कुल सफल रहा और 27 में इसका असर आपको दिखेगा। अच्छा, एक मुद्दा और उठा है अभी कि केंद्र में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं बनाया गया, ये नोटिस किया आपने? अभी तक तो ऐसा होता था, ये लोग बनाते थे क्यों, वोट लेने के लिए, लेकिन उनको लग रहा है कि पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में उनकी बात चल रही, इसीलिए वो इस बार जगह नहीं दिए मुस्लिम को, यही बात हो सकती है। मैं लगता है कि भैया प्लान क्या है 2027 का? प्लान सबसे पहले आपके दर्शक जितने हैं सबको बहुत बहुत बधाई और प्रदेशवासियों को बधाई। प्लान यही है, सन 2027 में हम लोग पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव ने दिया है वही धरातल पे चला है, वही हम लोग आगे संघर्ष करेंगे, उसको पीडीए का नारा देंगे, अखिलेश यादव, माननीय अखिलेश यादव मुख्यमंत्री 2027 में बनेंगे। 2023 में देखिए,
2023 में बीजेपी भगाना, जैसे अमेठी से बीजेपी भगाई गई है 2027 में। और ये देखो 2000 ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, नेकपाल प्रधान खड़े होकर बनवाए थे 2023 में, और 2024 में देखो नहीं। अभी हम और भी देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग, एक मिनट बात करनी है ये कि 2027 में योगी को कैसे हरा, मोदी को तो हरा दिया, अब योगी को कैसे। जो हमारा निर्णय भाई, जो हमारे पार्टी का जो भी गठन संबंध था वो 24 में जो है वही 27 में होगा, और 24 में तो खेला हुआ है और 27 में खदेड़ा होगा। तो योगी के हराने का मूल मंत्र जो है बारी बारी से हम आप लोगों को देते रहेंगे। भाई आप चौथे स्तंभ हैं तो आपको भी तो देना जरूरी है, तो जो भी आप पूछना चाहें पूछ सकती हैं। उनको हराने का मूल मंत्र हमारा पीडीए ही रहेगा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अच्छा, जो जीत हुई है 37 सीटों में, इस पे जो सीटें जो हार गई है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव ने कहा है कि इसका कहीं ना कहीं कारण है जिला अधिकारी, इस पे क्या कहना चाहेंगे। भाई देखिए प्रशासन जो सत्ता शासन के दबाव में चल रही थी, करीब 15-16 ऐसी सीटें थी जिसमें हमारे प्रत्याशी 1000, 2000, 3000 के मतों से उनको हराया गया है। और कहीं ना कहीं जिला अधिकारी भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं ही कहा, क्योंकि सर्वे के अनुसार जिला अधिकारी, क्योंकि देखिए अभी 4 तारीख को जब गणना हो रहा था तो 5.5 लाख वोट की गणना 10:15-11 बजे तक हो गई, जिसमें अमित शाह जी 5 लाख वोटों से जीत गए, और बनारस में 1.5 लाख वोटों से मोदी जी को जिताया गया, वो जबकि पता चला कि नहीं वो 4 बजे चुनाव जीते हैं, 3 बजे चुनाव जीते हैं। तो क्या कहेंगे आप भाई, आप तो वैसे भी समझदार हैं ना, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के कहे जाते हैं, तो आप खुद ही आकलन करिए कि इसका क्या निर्णय होगा। तो कहीं ना कहीं सत्ता शासन के दबाव में प्रशासन, हमारे समाजवादी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट रहे हैं, चाहे वो लक्ष्य तक पहुँचे या हारे, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनको चुनाव हराया गया है। अखिलेश यादव जी का दावा है कि समाजवादी पार्टी को जानबूझकर हराया गया है कुछ सीटों में यूपी की, जहां वो हारे हैं, इस पे क्या कहना चाहेंगे। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा ये सत्य है, क्योंकि आप देखे होंगे बीजेपी वाले हर जगह डीएम एसपी आईजी डीआईजी को दबाव बना रहे थे। ये कांग्रेस के नेता जी, मैं उनका नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने भी कहा था कि अमित शाह जी डीएम को दबाव बना रहे हैं। ये तो सत्य है, सत्ता की हनक दिखाते हैं और सत्ता की हनक दिखाने में ही चले गए। ये रियलिटी ये है कि अब ब्राह्मण भी जागरूक हो चुका है, अब ब्राह्मण बहकावे में नहीं आएगा। इसीलिए हमारे जौनपुर में और मछली शहर दोनों सीट टंकी की चोट पर ब्राह्मण एक जाई होकर वोट दिए हैं। ये है कि ब्राह्मण बोलता नहीं है, खेला करता है, और खेला कर दिया ब्राह्मण। धन्यवाद। बात करें अगर 2027 के मुद्दों की, तो के मुद्दे क्या रहने वाले हैं। मुद्दा 2027 मुद्दा यही है कि पब्लिक को गुमराह कर रहे थे बीजेपी वाले, अब पब्लिक गुमराह हो नहीं रही है, अब सब जागरूक हो चुके हैं, और मेन चीज का परिणाम जैसे 24 में दिया गया है इसी तरह 27 में भी दिया जाएगा। और यहाँ पे आ रहे हैं कुछ लोग, एक मिनट में मैं आपसे जानना चाहूँगी एक चीज़ कि 2027 में योगी को कैसे हराना है। मोदी को तो हरा दिया, अब योगी की बारी, अब उनको कैसे हराएंगे। 2027 में तो युवा ही हरा देगी योगी जी को। आप युवा का क्रेज़ देखिए इस टाइम, क्या युवा जितना भी नॉर्म्स युवा दे रहे हैं माननीय जी, उस चीज़ को रख रहे बातें को। अब जित आप देखिए कितनी पीड़ित परिवार है, सबसे भैया मिल रहे हैं। अभी 550 लोगों की भीड़ थी जिसमें से 250 तो पीड़ित परिवार है, जो कि योगी जी के बनारस वाले क्षेत्र से आ रहे हैं, चंदौली हर जगह से चले आ रहे हैं। भैया सबको मिल रहे हैं, अच्छे से टाइम दे रहे हैं, कॉपरेट कर रहे हैं। अब ये बिना सरकार होने के बावजूद भी इतनी कॉपरेशन है, तो आप सोच सकती हैं कि सरकार होने के बाद क्या कॉपरेशन हो सकता है। आप बताइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के ज़मीनी स्तर, जो ज़मीनी हम ने कम से कम 16-17 जिले में जा कर के गांव-गांव में समाजवादी पार्टी को वोट मांगने का काम किए हैं। जिस भी गांव में जाती हैं, हर घरों में 2-3 लड़कियां पढ़ी लिखी, 2-3 बेटे पढ़े लिखे, हर आदमी यही बताता था ज़मीनी नहीं। बात अभी ये है कि 2027 में मोदी योगी को कैसे हराना, मोदी को तो हराया है यूपी में। योगी जी का ज़मीनी स्तर ख़राब हो चुका है, 2027 में एक भी सीट उनको पाना मुश्किल है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, ये हमारा कहना है। और यहाँ पे तमाम लोग बाहर आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि 24 में तो मोदी को हराया है, अब 2027 में क्या प्लान, क्या है स्ट्रैटेजी, क्या है। देखिए 2027 की बात अभी ना करते हुए
हो सकता हो उससे पहले ही बात हम लोग को करना पड़ जाए, क्योंकि जो ये चार पहिए की इनका जो पहिया है ना, ये कहीं ना कहीं से अभी से डगमगा रही है, तो उससे पहले ही हम लोगों को बात करना पड़ जाएगा। आप ही हमसे बात करेंगे कि अभी क्या स्ट्रेटजी हो सकता है, तो 27 बहुत दूर किया। हालांकि वर्तमान स्थिति देखते हुए यह हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस गवर्नमेंट से वर्तमान की जनता परेशान हो चुकी है, और कहीं ना कहीं से ये एक बहुत ऐतिहासिक चीज़ जिस प्रकार अभी हुआ है वो 27 में भी होने जा रहा है। क्या 27 में क्या होने वाला है? अब पूर्ण रूप से अखिलेश यादव की सरकार बनने वाली है, मान्य अखिलेश यादव जी पूर्ण रूप से 300 पार का जो नारा है वो सच होगा। उनका तो 400 पार का नहीं हुआ, क्या लगता है ये समाजवादी पार्टी का 300 का नारा 2027 में पूर्ण तरीके से पूरा होगा? कैसे? जैसे पीडीए के समीकरण से, और जैसे 37 सीटें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में जीत के सारा रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। तो यहाँ कुछ देखिए, ऐसा है कि जिस तरह जो रिजल्ट आया है, ठीक है, पीडीए का नारा और पीडीए ने माननीय श्री अखिलेश यादव जी को अपना नेता चुना है। अयोध्या को लेकर धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा को जनता ने बताया है कि धर्म की और नफरत की राजनीति अब नहीं चलेगी। अब उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में समाजवादी पार्टी के विचार हर जगह फैलेंगे, इसलिए क्योंकि जनता में ये हिंदू मुसलमान शमशान कब्रिस्तान ये मैसेज आम हो गया था। नौकरी और रोजगार पे बात करने वाला कोई नहीं था, महंगाई पे बात करने वाला कोई नहीं था, महिला उत्पीड़न में बात करने वाला कोई नहीं। इस बार फिर से बने हैं तीसरी बार, तो क्या लगता है अब बात करेंगे वो बेरोजगारी पर, महिलाओं के उत्पीड़न पर? देखिए, ये जो इनका तो एक ही इशू है, एक समाज के लोगों को गाली देना, एक समाज के लोगों की बात करना और भड़का कर वोट लेना। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, और पीडीए के नेता माने श्री अखिलेश यादव जी पीडीए अपना मान चुका है, और जिस तरह से बड़े तादाद पे दलित समाज ने वोट किया, आप इसको मानिए कि 2027 में आधी नज़र आएगी। अगर मोदी जी ने वन नेशन वन इलेक्शन लागू कर दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव सीएम होते, क्योंकि जिस हिसाब से रिजल्ट आया है उस हिसाब से 300 से ऊपर सीटें समाजवादियों की आती। तो ये थे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कुछ कार्यकर्ता, जिन्होंने कहा कि 2024 में खेला हुआ है और 2027 में खदेड़ा होगा। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि क्या होता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे #भारत न्यूज़। मैं हर्षित कौर, कैमरामैन मेराज खान के साथ।